साथियों, नॉर्थ बंगाल का मेरा एक खास रिश्ता भी है और ये रिश्ता आपको भी मालूम है, ये रिश्ता चाय का रिश्ता है। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। साथियों, हमारा ये जलपाईगुड़ी, ये पूरा उत्तर बंगाल 3T के लिए, 3T के लिए फेमस है, टी, टिम्बर और टूरिज्म। इन तीनों को ही बेरुखी का शिकार होना पड़ा है, चाहे कोलकाता में कम्युनिस्टों की सरकार रही हो या फिर कम्युनिस्ट पार्ट 2 यानी TMC की सरकार रही हो। इस पूरे क्षेत्र के संतुलित विकास पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। भाइयों और बहनों, केंद्र की NDA सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास ये नियत भी है और नीति भी इसी पर चलती है। यही कारण है कि यहां के बंद पड़े चाय बगानों को हमारी सरकार ने खुलवाया है। चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों के, मजदूरों के बैंकों में खाते खुलवाए हैं।